कैसे हैं आप? मैं आया हूँ, देखिए आप मेरा पीछे MBB एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल जो अगरतला का है। अभी इनका अंदर मैं थोड़ा सा जाके अपडेट दूंगा आप लोगों के लिए। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ, तो काफ़ी बारिश हो रहा है। मैं साइकिल राइड करके अभी आया हूँ यहाँ पे, और मैं अंदर जाके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। शायद मेरे को बिल्डिंग के अंदर जाने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन बाहर बाहर मैं एक वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि 4-5 महीने के बाद कितना अपडेट हुआ है। चलो दोस्तों, चलते हैं अंदर, देखते हैं आप लोगों के साथ। चलिए, हेलो गाइस, अभी मैं आया हूँ MBB एयरपोर्ट के अंदर, ये न्यू टर्मिनल के अंदर। ये भाई की वजह से थोड़ा आया हूँ, परमिशन दे मिल नहीं रहा है, फिर इनकी वजह से थोड़ा परमिशन लिया हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद ये भाई की वजह से मेरे को परमिशन मिल ही गया है। तो चले दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहा है एयरपोर्ट का फ्रंट साइड एरिया है, डिपार्चर एरिया है। ये सारी चीज़ कंप्लीट कर चुका है, काउंटिंग एरिया, डिपार्चर गेट। अभी इनसाइड में जाना माना है, क्योंकि अंदर में अभी भी काम चल रहा है। ये फ्रंट एरिया है, पहले वाला जो वीडियो लेकर आया था उसमें काफ़ी काम चल रहा था, दिखाई दे रहा था। अभी 90% कम्प्लीट है, बाहर का काम पूरा ही कंप्लीट है। अभी अंदर का डेकोरेशन का काम अभी भी थोड़ा बाकी है। ये जो देख रहे आप लोग गार्डन एरिया है, ये हरा भरा गार्डन बिल्डिंग का और सुंदरता को बढ़ा देते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद ये बिल्डिंग तैयार हो चुका है, और ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं दोस्त। कुछ महीने के अंदर ये हैंडओवर होने वाला है। वर्तमान सरकार और प्रीवियस सरकार द्वारा काफ़ी कोशिशों के बाद ये एयरपोर्ट आप लोगों को स्वागत करने के लिए खड़ा है। बाहर का काम 90% कंप्लीट है। अभी लगभग 4-5 महीने के अंदर एयरपोर्ट हैंडओवर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग आसानी से यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। काफ़ी सिक्योरिटी सिस्टम, काफ़ी डिजिटल माध्यम से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। सब कुछ ध्यान रखते हुए, ज़्यादातर सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को कैसा लगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। मैं इस तरह का छोटा छोटा वीडियो लाते रहता हूँ, और सामने भी अपडेट लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्त।